नमस्कार दोस्तों, सुग्रलेक कैसे हैं आप? दुआ करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज एक नई वीडियो फिर से लेके आया हूँ। आज ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कॉमन टॉपिक हैं और बहुत से लोग इससे परेशान हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना स्किन एलर्जी। सबसे पहले बात करें अपन स्किन की, तो स्किन अपने बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है और बहुत संवेदनशील पार्ट होता है, क्योंकि स्किन एक ऐसा पार्ट है अपने शरीर का जो अपने सभी ऑर्गन्स को कवर करके रखता है, उनको ढक कर रखता है। तो स्किन की एलर्जी एक कॉमन बात है, आम बात है, हर सीज़न में भी आप देखते होंगे, या थोड़ी सी साफ़ सफाई नहीं रखें तो भी स्किन एलर्जी हो सकती है। तो स्किन एलर्जी क्यों होती है, स्किन एलर्जी क्या है, इसके क्या क्या बचाव कर सकते हैं, इसको अपन कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से प्रोडक्ट अपने लिए अच्छे रहेंगे, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है और इस वीडियो में मैं आपको देखने के बाद ऐसा कोई भी आपको पेशेंट मिले या आपके खुद आप इससे प्रॉब्लम हो आपको ऐसी, तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो इसके बारे में आप और हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले स्किन एलर्जी होती क्यों है, सीधा सा टॉपिक है कि स्किन एलर्जी अपने होती क्यों है, क्या कारण होते हैं कि अपने पास स्किन एलर्जी होती है। तो स्किन एलर्जी कोई भी धूल मिट्टी के कण या डस्ट से भी हो सकती है, या फिर जो भी पोलन ग्रेन या पराग कण होते हैं उनसे हो सकती है, साबुन से हो सकती है, या फिर सोप से हो सकती है, या फिर हेयर से हो सकती है, जो हेयर डाई जो होती है उनसे हो सकती है। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं तो उससे आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, लिपस्टिक से हो सकती है। उसके साथ अगर बात करें तो कोई भी कीड़ा या कोई भी जैसे कीट जो होते हैं अपने, तो वो अगर आपको खा लें या उनका डंक लग जाए तो आपको उस पार्ट कहीं भी किसी भी एक स्पेशल पार्ट पे स्किन एलर्जी हो सकती है, स्किन के किसी भी एक पार्ट पे। उसके साथ अगर कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी स्किन एलर्जी हो सकती है, या कोई भी आप जानवर या पशु जो भी आपके आसपास में अगर आपने पालतू पशु पाल रखे हों या तो उनसे भी एलर्जी हो सकती है, और परफ्यूम से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये कारण है, इनसे आपको जो भी स्किन एलर्जी वो इन्हीं कारणों से होगी। तो आपको सबसे पहले ये करना है, जो भी ये जितने भी कारण हैं आपको अगर हो सकता है तो आप कारण का पता लगाएं कि आपको किस कारण से स्किन एलर्जी हो रही है। इन कारणों में से कोई एक कारण आपको मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी स्किन एलर्जी इस कारण से हो रही है, तो सबसे पहले उसका निदान परिवर्तन कर दें कि जो जिस भी कारण से ये एलर्जी आपको हो रही है आप उसी कारण से दूरी बनाए रखें, उससे थोड़े दूर रहें। एक कॉमन सी बात होती है ना, जिससे एलर्जी हो उससे दूर रहो। तो आपको किसी भी इनमें से किसी भी पार्ट से आपको एलर्जी है तो आप उसी चीज़ से दूर रहें। दूसरा, कितने टाइप होते हैं एलर्जी के, तो एलर्जी कॉन्टैक्ट से भी हो सकती है कि एक जगह एलर्जी हो रखी किसी पर्सन को तो आप उसके कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं तो भी आपको एलर्जी हो सकती है। एंजियोएडिमा हो सकता है, एंजियोएडिमा का मतलब होता है कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में सूजन आ जाना या लाल चकते बन जाना या फिर उसमें इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना या हल्का हल्की खुजली होना या दर्द होना या त्वचा कटी फटी सूखी रूखी ऐसी स्किन हो भी सकती है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इसके लक्षण हैं स्किन एलर्जी के, और स्किन एलर्जी के लक्षण बाहर से आप आसानी से देख सकते हैं। किसी भी पार्ट में होगी, अगर यहाँ पे होगी तो रूखा बना जाएगा या लाल लाल चकते बन जाएंगे, वाइट पैचेस बन जाएंगे, होठों पे भी हो सकती है, सर में भी हो सकती है, तो बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकती है। ऐसा कोई स्पेशल पार्ट नहीं होता कि आपके एलर्जी वहाँ पे हो। हाँ, कहीं पसीने से भी हो सकती है, अनहाइजेनिक तौर से अगर आप रहते हैं, आप स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो भी आपकी एलर्जी हो सकती है। तो ये जो कारण मैंने बताए हैं ये सभी एलर्जी के कारण हैं, इन कारणों से आपके एलर्जी हो सकती है। तो अब मैं बताता हूँ आपको एलर्जी के क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे आपको एलर्जी अगर आपको हो गई है या किसी के पेशेंट्स को आपको हो सकती है तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं। कुछ मैं सिंगल हर्ब जो होती हैं अपने या जो भी सिंगल प्रोडक्ट होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, जैसे तुलसी का आप यूज कर सकते हैं, नीम की पत्तियां लेके, नीम की छाल लेके उनको पानी में उबालकर उनसे आप नहा सकते हैं, या जिस पार्ट में आपको एलर्जी हो रखी है उसमें आप यूज कर सकते हैं। एलोवेरा का आप यूज कर सकते हैं, एलोवेरा को जेल के रूप में काम में ले सकते हैं, या जो भी लोकल अप्लाई करने के लिए आपको एलोवेरा मिल जाए, ताज़ा एलोवेरा, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप एलोवेरा, नीम, तुलसी, नारियल तेल का भी आप यूज कर सकते हैं,
या फिर आप बेकिंग सोडा लेके उसको एक जो चम्मच है उसको गुनगुने पानी में डाल के उससे अपने शरीर को धो सकते हैं। तो ये घरेलू या कॉमन उपाय मैंने आपको बता दिए हैं जो आप इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाए तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप एलेक्स के प्रोडक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और पूरा 100% सटीक होते हैं। और जिन भी चीज़ों से आपको एलर्जी हो रही है तो आप मार्केट के ऐसे प्रोडक्ट छोड़ें और आप एलेक्स के ही वो प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे आपको शैम्पू से एलर्जी होती है तो आप एलेक्स का शैम्पू यूज़ करें जो प्योर हर्बल है, प्योर ऑर्गेनिक है और अच्छा प्रोडक्ट है, 100% हर्बल है और GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल से एलर्जी हो सकती है तो यहाँ ऑयल्स की भी बहुत सारी रेंज है, जैसे मावरिंगराज ऑयल है, हर्बल ऑयल आता है, उसके अलावा अपने पास ब्रह्मी आंवला ऑयल है, तो आप ऑयल की भी अच्छी कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें अपन शैम्पू की तो शैम्पू की भी यहाँ बहुत सारी कैटेगरियाँ हैं, जैसे एंटी डेंड्रफ शैम्पू है, सिकाकाई है, एलेक्स हर्बल शैम्पू है, तो ये अपने पास शैम्पू की वैरायटी है तो आप इनमें से कोई भी एक शैम्पू चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सोप से एलर्जी है तो भी यहाँ सोप की एक स्पेशल वैरायटी है, जैसे मल्टीपर्पज सोप है, उसके साथ रोज है, लेमन है, एलोवेरा नीम है, जो एलर्जी होने के बाद अगर आपकी एलर्जी नहीं जा रही तो आप उस सोप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सोप की भी एक लंबी कैटेगरी है जिसमें से आप सोप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स हैं जो आप दैनिक जीवन में अपने यूज़ करते हैं तो इन प्रोडक्ट को आप यूज करें जिससे आपको एलर्जी नहीं होगी और इनमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप कौन सा भी प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी, एलेक्स की तुलसी ड्रॉप, एलोवेरा जेल। सबसे पहले आप एलोवेरा जेल लीजिए, उसमें तुलसी की 2 से 3 ड्रॉप डालिए और उसको आप बॉडी पे कहीं भी जहां पे आपको एलर्जी हो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप और बेहतरीन रिजल्ट लेना चाहते हैं तो कुरकुमिन टेबलेट आती है, एलेक्स की बहुत बेहतरीन टेबलेट होती है और कुरकुमिन एक तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। तो कुरकुमिन की आप 5 टेबलेट लें और नीम के बारे में भी अभी मैंने आपको बताया था, नीम भी एक तरह से स्किन एलर्जी या किसी भी टाइप की एलर्जी हो या एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, कोई भी आपको एलर्जी होती है उसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। तो आप नीम की 10 टेबलेट लें, कुरकुमिन की 5 टेबलेट लें, दोनों को पीस कर चूर्ण बना लें। वापस बता देता हूँ, नीम की 10 टेबलेट लें, कुरकुमिन की 5 टेबलेट लें, दोनों को पीस कर एक चूर्ण बना लें और जब भी आपको अप्लाई करना हो तो सबसे पहले एलोवेरा जेल निकालें, उसमें तुलसी की 2 से 3 ड्रॉप डालें और उसमें जो चूर्ण बनाया आपने नीम और कुरकुमिन का, चुटकी भर चूर्ण उसमें मिला लें और उसको मिक्स करके एक आपके पास एक पेस्ट बन जाएगा, एक मलहम का काम करेगा ये। तो जहाँ पे भी आपको स्किन एलर्जी हो, किसी भी पार्ट पे आपके वो हो सकती है, तो आप वहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ बची हुई जो नीम की टेबलेट है और कुरकुमिन की टेबलेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कुरकुमिन डेली रात को 1 ले लें और नीम की टेबलेट सुबह शाम 1-1 टेबलेट ले लें, जिससे आपका लगभग 25 दिन का ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो 25 दिन आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 25 दिन में आप ये प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद किसी भी टाइप की आपके पास एलर्जी हो तो आप उससे 100% निजात पा सकते हैं, उस एलर्जी को आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 15-15 ml सुबह शाम एलोवेरा जूस ले सकते हैं, एलोवेरा जूस भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं और ये प्रोडक्ट अगर आपको कहाँ मिलेंगे तो आप नज़दीकी एलेक्स के सेंटर पे जाके इनको ले सकते हैं, या जिन्होंने ये वीडियो आपके साथ शेयर की है आप उनसे संपर्क करके ये प्रोडक्ट्स मंगवा सकते हैं, और या आप एलेक्स की साइट पे जाके उसमें स्टोर लोकेटर एक स्पेस होता है उसमें आप सर्च कर सकते हैं कि आपके नियर बाई में कौन सा स्टोर है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप हमारे एलेक्स के AR जो हैं, हमारे लीडर्स हैं, आप उनसे बात करके ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, वो आपको इजीली अवेलेबल करवा देंगे। तो दोस्तों, स्किन एलर्जी का आज मैंने आपको पूरा वाक्यांश एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझाया है। मैं ये एकदम आपको समझ आया होगा और एकदम 100% से आपको ये जो जानकारी है ये बहुत अच्छी लगी होगी। इसके साथ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये जो भी आज का टॉपिक है ये सबके साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सबके साथ शेयर करोगे तो एक एलर्जी का जो भी किसी के हो रखी हो, जो भी इस चीज़ से परेशान हो, तो आप उसको स्वस्थ बना सकते हैं और आप स्वस्थ बात और समझ बात का जो हमारा मिशन है उसमें हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं और हमारे साथ बात को आत्मनिर्भर बनाने का जो भी आपने और हमने जो संकल्प लिया है उसके ऊपर आप 100% वर्क भी कर सकते हैं।
इसके साथ आप एलेक्स वर्ल्ड क्लास का जो भी अपना ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर बार बार आप देख रहे होंगे, नई नई एडवर्टाइजिंग आती रहती है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी उनमें आता रहता है, तो आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। उसका लिंक भी मैंने नीचे बायो में दे रखा है। थैंक यू सुपर एलेक्स।